इस वक्त हम आ चुके हैं मछुआ फल मंडी के पूजा पंडाल में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मछुआ फल मंडी का पूजा पंडाल बच्चों के लिए बनाया गया है। पिछले वर्ष आपको याद होगा जंगल बुक को थीम बनाकर यहाँ पर पंडाल को रूप दिया गया था, और इस वक्त भी जो है आपके बच्चे अगर यहाँ पर आएंगे तो अपने आप को एक डिज्नी वर्ल्ड में पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ ये जो रंग बिरंगे पंडाल नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। तो मेरे लाइव कोलकाता के जो दर्शक हैं वो अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को कहीं और लेकर जाए या नहीं जाए, लेकिन मैं उनको कहूंगी कि मछुआ फल मंडी के पूजा पंडाल में वो अपने बच्चों को जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके बच्चे के माइंड तो फ्रेश होंगे ही, और साथ ही साथ यहाँ पर लाइटिंग के जरिए एक अद्भुत सा नज़ारा बच्चे जो है वो देख पाएंगे। मछुआ फल मंडी के पूजा पंडाल में इस वक्त हम आ चुके हैं और कमेटी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातें करेंगे और देखते हैं क्या कुछ नया थीम इस बार दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। इस बार का थीम के बारे में इस बार हम लोग मछुआ बाजार सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की 65वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, और खिलार चोले मोजार साथे इसका हिंदी अनुवाद है, खेलने चलो मजा के साथ। और बच्चे मछुआ बाजार समिति को अपना दोस्त समझते हैं। हम लोग कई वर्षों से बच्चों का जो एक थीम है वो हम लोग एक कॉन्सेप्ट तैयार करके रखते हैं मन में, और इस बार भी जो आपको एकदम पूरा कलरफुल पंडाल नज़र आ रहा है, इसका मेन हम लोग किरदार रखे हैं टिंटिन, जो माँ के सामने में तीनों ही अचंभे हैं, एलियन साथ ही साथ रॉकेट है, एलियन इस मंडप पे उतरेंगे और टिंटिन और ऑल कार्टूनिस्ट के साथ में इस मंडप में अपना भ्रमण करेंगे मछुआ बाजार में। और साथ ही साथ आपको जो इस तरह का जो एक पेंटिंग नज़र आ रहा है, इस पेंटिंग को हम लोगों ने बहुत ही करीब से बच्चों का एक आर्ट गैलरी के रूप में हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अगर अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि वहाँ पर एक बच्चे मतलब शेर करते करते डॉग बन जाता है, सियाल करते करते भालू बन जाता है, तो उन लोगों को एक आज़ादी का जो रूप है, जैसे हम लोग प्रोफेसर या टीचर के बच्चे ड्राइंग क्लास में भेजते हैं तो उनको बोला जाता है कि एक जो निर्दिष्ट लाइन है उस लाइन के बाहर जब भी आप जाओगे तो आपका जो चित्र है वो अलग प्रकार से हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के जितने भी आप ये देख रहे हैं सब जो बच्चे आजकल कार्टून देख रहे हैं, वे लोगों को हम लोगों ने एकदम स्वतंत्र रूप छोड़ दिया है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से जो भी आप लोगों का अगर मन हो, आप लोग उस तरह से अपने भावनाओं से अपने मन से उस किरदार को अपने रूप में डालिए। और इसीलिए इस मंडप के अंदर में जो इतने सारे आप आर्ट देख रहे हैं और ये अजीब एक फल का जो ऊपर में नमूना आप देख रहे हैं, तो ये सब बच्चों के द्वारा आकृति की गई, एक उन लोगों के मन के द्वारा आकृति की गई पूरा चित्र यहाँ पर रखा गया। आप बताएं कि जैसे पिछले वर्ष हमको याद होगा कि जंगल बुक को लेकर आए थे, तो हमेशा बच्चों को दिमाग में रख के इस तरह की कॉन्सेप्ट लेकर आना। इसलिए हम लोग बच्चे को इसलिए कॉन्सेप्ट आते हैं कि बच्चे को आप देखें कि जहाँ जा किसी भी पंडाल में जाते हैं बच्चे को वो कलाकृति समझ में नहीं आती, बच्चे आधा गाड़ी में जाकर सो जाते हैं। हम लोग यहाँ बच्चे को इसलिए जाते हैं कि एनर्जी फील करें, यहाँ आते ही बच्चे जो गाड़ी में सोए रहते हैं मछुआ का नाम सुनते उठ जाते हैं कि मछुआ में कुछ ऐसा है हम लोगों के लिए। कार्टून है, लाइव शो है, लाइव शो में आप देखिएगा लिटिल सिंघम डोरेमोन सब लाइव है, वो बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे, बच्चों को ट्रॉफी देंगे, ये एक्साइटमेंट इतना रहेगा कि बच्चे मछुआ को इतना प्यार करते हैं कि मछुआ आना पसंद करते हैं। यहाँ पर माँ की मूर्त जो है बहुत ही प्यारी लग रही है, उनके बारे में कुछ बताएं, कहाँ से तैयार की गई है? ये हमारे जो आर्टिस्ट है जो देवाशीष दा, उन्हीं की कल्पना है, उन्हीं के कल्पना दा रही ये मूर्ति को थीम के अनुसार। जिस तरह बच्चे शांत भाव से रहते हैं उसके तरह शांत माँ का रूप दिया गया है, आप देख सकते हैं एकदम माँ का रूप शांत है, उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं होगा, सब हाथ एकदम कमल फूल होगा, एकदम शांत भाव, बच्चों के जो भाव है बच्चों को लड़ाई झगड़ा से एकदम
कोई मतलब नहीं, वो प्यार की भाषा समझते, उसी तरह प्यार की भाषा के लिए अब हमारी जो आर्टिस्ट है वो इस तरह की मूर्ति को बनाए हैं कि एकदम माँ एकदम शांत है। माँ को सनातनी रूप देने का हम लोगों ने सब चेष्टा किया है, और जिस तरह से बच्चे आते हैं माँ जो 9 दिन में तरीके से जो हम लोग महिषासुर मर्दिनी माँ का जो कल महल्या गया है, कल से बोधन है, और जिस तरह से महिषासुर से लड़ करके विजय प्राप्त करती है, असुर को मार करके पाप को नष्ट करती है, तो हम लोगों के मंडप में आने के बाद जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का एक जो भावना रहता है वो गार्जियन से जुड़ा हुआ रहता है, तो जब बच्चे आएंगे तो गार्जियन उनके संग में मंडप आएंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए 2018 का एक नया विशेष मतलब संग्रहालय आप बोलिए, चित्रों का संग्रहालय बोलिए, इसको हम लोगों ने करने की चेष्टा की। कितने दिन पहले से यहाँ पर पंडाल को रुक किया था? देखिए पूजा जैसे ही 2017 का ख़त्म हुआ था हम लोग 18 में पाँव रख दिए थे, और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये रंग नहीं है, ये बटाली से बनाया हुआ पूरा कलाकृति है, कई महीनों से आर्टिस्ट इसमें गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के हमारे प्रोफेसर हैं मिस्टर देवाशीष, उनके जितने भी शिष्य लोग हैं इस मंडप में, कम से कम इस मंडी के अंदर में हम लोगों का 1.5 महीना पहले से हम लोगों का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, और कई जगह उन लोगों ने अपने तरीका से इसको काम को जगह को लेकर के ये काम को रोक दिया गया। मछुआ फल मंडी अपने आप में ही बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ पर इस तरह के पंडाल को रोक देना बहुत ही काबिले तारीफ है। आप ये बताइए कि कितने दिन में ये पंडाल बंद करते हैं? ये करीबन हमारे लोग 12 तारीख को हम लोग की ओपनिंग, उसके पहले ही हम लोग के पंडाल तैयार हो जाए, क्योंकि ओपनिंग में हम लोग ओपनिंग के डेट के बाद में इसको ओपन कर देंगे कि सभी दर्शनार्थी आके माँ का दर्शन कर सकें। कितने बजट के अंदर ये पंडाल? ये हम लोगों की 15 से 16 लाख रुपये का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रखकर जो है पंडाल को रूप दिया गया है, आप हर एक चीज़ को अगर बारीकी से देखेंगे तो ये फुल ऑन बच्चों के लिए पंडाल ही है, और जिस तरीके से यहाँ पर कमेटी मेंबर ने बताया है कि माँ के हाथों में इस बार जो है यहाँ पर अस्त्र तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, क्योंकि माँ हमेशा अपनी बाहें फैलाए रखती है बच्चों को प्यार करने के लिए, बच्चों को दुलार करने के लिए, और यही माँ की थीम को लेकर पंडाल को दिया गया है, और माँ की मूर्ति उसी थीम पर आधारित की गई है। तो आइए हमारे घर बैठे जो दर्शक हैं सबसे पहले उन्हें माँ के दर्शन करवाते हैं, और मेरे जो कैमरा पर्सन दिनेश है मैं उनसे कहूँगी कि पूरी बारीकियों को जो है वो बहुत ही करीबी से दिखाए हमारे घर बैठे जो दर्शक हैं, क्योंकि बहुत ही रंगीन बहुत ही कलरफुल यहाँ का जो पंडाल है वो नज़र आ रहा है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।